লোকেল এইটিনৰ আৰু এটা বিশেষ প্ৰতিবেদনত মই আঁকি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মোৰ সৈতে আছে আৰু ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে আই পি এল চাইছে আৰু ৰিয়ান পৰাগ অসমৰ যি ৰিয়ান পৰাগ আছিলে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় আৰু সেই অসমৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে আৰু এগৰাকী যুৱক সেই আই পি এলৰ সৈতে জড়িত আছিলে আৰু তেওঁ হৈছে ইমৰান হুছেইন মজুমদাৰ আজি মোৰ সৈতে আছে ইমৰান হুছেইন মজুমদাৰ আৰু আই পি এলত তেওঁ কি কাম কৰিছিলে সেইটো তেওঁ নিজৰ মুখেৰেই ক'ব और हसा कोई गौरव और विषय आई पी एल ओ इमरान सबसे पहले जानना चाहेंगे आ, आई पी एल का इतना बात हो रहा है रिसेंटली भी फाइनल भी गया है तो रियान पराग के बारे में सब जानते हैं असम का एक आ, क्रिकेटर है आप भी उसमें आप जुड़े थे आप सिलचर के लड़के हैं क्या काम किया नाम है तो होकाई का जो है बी सी सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं कि हॉकाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बी सी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं कि आपके डी आर सर्विसेज़ रहते हैं बॉल ट्रैकिंग सर्विसेज रहते हैं जो भी आप पैकेजेस देखते हैं एनिमेशन वगैरह वो सब टेक्निकल एनालिसिस जो भी रहता है वो हमारी कंपनी करती है बेसिकली वी वर्क इन द प्रोडक्शन बिहाइंड द सीन्स सो हम क्या करते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रोडक्शन थ्रू आउट द होल वर्ल्ड उसमें मेरा पर्टिकुलर यही रोल था कि मैं जो है मैच 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 नॉट एवरी हमारे चार टीम्स रहते थे थे डिफरेंट मैचेस बट हम हम जाते थे, हमारा सेटअप रहता था और हम match match जाके बॉल ट्रैकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे so we सो बेसिकली आपको मतलब इस काम का कैसे, पता लगा, आप कैसे उसमें सो so बेसिकली मुझे भी कभी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ काम हो सकता था तो फ्रॉम माई स्कूल लेवल फ्रॉम माई मेन आई वॉज किड आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट मैं हमेशा आज भी क्रिकेट खेलता हूँ मैं हमेशा क्रिकेट खेलता था चाहे वो मेरे गाँव में हो चाहे मेरे स्कूल में हो चाहे मेरे कॉलेज में हो मैं हमेशा क्रिकेट देखता था हमेशा क्रिकेट फॉलो करता था तो मैंने जब अपना इंजीनियरिंग पास किया उसके बाद मैंने एक जॉब जॉइन किया था वो जॉब मुझे गुवाहाटी में पोस्टेड था मैंने एक साल के लिए वो जॉब किया बट द प्रोफाइल डिडन इंटरेस्ट मी दैट मच तो आई ट अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब आई के एम बैक होम एंड आई रीवेटेड माई लाइफ चॉइस तो उसमें मुझे ये लगा कि हाँ मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है बट आई एम टू ओल्ड एंड ऑफ टू स्ट्राइक फॉर अ कैरियर इन क्रिकेट सो एक दिन जब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो आई मेड ए रेजोल्यूशन टू माई सेल्फ दैट आई नीट टू डू समथिंग तो मैंने गूगल किया क्रिकेट जॉब्स एंड दिस जॉब वॉज लिस्टेड एट द टॉप ऑफ द गूगल सर्च फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया जितना कुछ देखा मैंने लिंक इन पे गया मैं मैंने ये देखा कि यार ऐसा एक जॉब भी एक्जिस्ट करता है विच रिक्वायर्स टेक्निकल प्रोस एंड आई हैड ए टेक बैकग्राउंड सो आई वॉज परफेक्टली सुटेबल फॉर दिस कांड ऑफ ए जॉब सो द डे आई फाउंड आई फाउंड नाट अबाउट दिस जॉब आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी लाइक माई हैप्पीनेस वॉज टू द ब्रीम दिस काइंड ऑफ ए जॉब विच अलाउज यू टू ट्रैवल ट्रेवल द होल कंट्री इवन इन आउटसाइड द इवन आउटसाइड इंडिया एज वेल तो आपको बाहर जाने को मिलता है प्लस आप हर ग्राउंड्स में जा सकते हैं आप टीम्स को देख सकते हैं प्लेयर्स के साथ रह सकते हैं बातें कर सकते हैं सो आई डिट नो दिस काइंड ऑफ ए जॉब एग्जिस्टेड एक गूगल सर्च के कारण मुझे जॉब के बारे में पता चला एंड टुडे आई एम हियर मैंने जब इंजीनियरिंग पास आउट किया था तो मैंने engineering आपने किया? मैंने एन आई टी सिल्चर से किया था मैकेनिकल अच्छा। इंजीनियरिंग किया अच्छा। था सो so, मैं ट्वेंटी में पास आउट हुआ और वहाँ से कॉलेज से ही मैंने एक जॉब जॉइन किया था एल में लार्ज सर एंड टूब्रो में सो so, बेसिकली मेरा जो रोल था वो सेल्स इंजीनियर का रोल था एंड आई वॉज ट्रेंड इन चेन्नई एंड आई वॉज पोस्टेड इन गोवाहाटी आई डिड दैट जॉब फॉर वन एरेक्चुअली मैंने ऑन साइड लखनऊ में जॉइन किया सो देट वॉज माई फर्स्ट आई पी एल लखनऊ में पहला मैच था तो वहाँ पर मैंने जॉइन किया सो लास्ट ईयर आई पी एल वॉज माई फर्स्ट आई पी एल दिस ईयर वॉज माई सेकेंड आई पी एल रात को काम कर रहे हैं अगर टेस्ट मैच हुआ तो हम डे बाई डे दिन में काम कर रहे हैं एंड द जॉब इज़ वेरी यूनिक आई एम वॉचिंग क्रिकेट द स्पोर्ट दैट आई लाइक द स्पोट दैट आई लव एंड आई एम वर्किंग इन इट एज वेल सो एवरी वन सेज दट इज़ अ वेरी यूनिक जॉब एंड या इट इज़ Uh, it's only been a year so my first priority is to gain experience in this sector so in is production sector so behind the scenes production sector or are Usme different kinds of roles hai. so currently i'm exploring and knowing about all these different roles to see and i want to gain as much experience as possible in this sector and then i want to grow probably look at the future and go for some higher roles with any cricket boards or something or any franchise teams who knows but let's see so uh, this is a very easy job like if you have enough problem solving skills enough logical skills which i kind of know that most of the people who have science background or who have been most of the people who are clever they can easily do this kind of job so if you can develop your technical skills enough then and if we, if you have a little bit of cricket knowledge so that acts as a surplus that acts as a bonus in your interviews if you have that you can easily crack this kind of role i guess so that uh, this ipl was a

जयपुर हो गया इतने आइकॉनिक स्टेडियम्स है तो मैं उन सब में गया हुआ हूँ तो मुझे बड़ा पसंद आया फिर मैंने टी एन पी एल किया आ, मैंने लंका प्रीमियर लीग भी किया था मैं श्रीलंका गया था उसके लिए फिर आपको याद ही होगा लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था तो दो महीने के लिए मैंने वर्ल्ड कप किया था तो मेरा जो प्रोडक्शन का जो टीम था वो काइंड ऑफ इंडियन टीम के साथ ही हमने ट्रेवल किया तो इंडियन टीम के नौ में से सात मैचेस हमने किए थे इवन सेमीफाइनल भी किया और फाइनल भी किया सो so पर्सनली मैंने इंडियन टीम का जो वो रन देखा जो क्रिकेट में उन्होंने उस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा किया ऑल द बैट्समैन और स्कोरिंग सेंचुरीज एंड ऑल द बोलर्स वे टेकिंग फाइव विकेट हॉल्स सो पर्सनली लाइक इट वॉज लाइक ए ह्यूज एक्सपीरियंस फॉर मी इंडिया में अगर yeah. आप बात करेंगे तो डेफिनेटली विराट कोहली इज़ माई फेवरेट प्लेयर सो इनिशियली लाइक मैनीज सारे डाउट वो सचिन के साथ थे धीरे धीरे वो आए उसके बाद हम भी छोटे ही थे हम भी बड़े हुए तो विराट कोहली वे काइंड ऑफ ग्रू अप हुई थीम सो टेक्निकली वी सॉ ऑल इज अप्स एंड डाउन द वे

पीपल हैव एन ऑफ टैलेंट is बट बिकॉज हिचर इज वेरी आइसोलेटेड इट डजन गेट the अटेंशन इवन द प्लेस much attention इन नेशनल मीडिया as वेल well. हम देखते हैं कि हर साल हमारे यहाँ बारिश होता है तो फ्लड्स वगैरह हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो बराकवेली रीजन है उसका कनेक्टिविटी पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ एकदम लूज हो जाता है ना रोड्स काम करते हैं ना रेलवेज काम करते हैं तब फ्लाइट टिकट सर्ज हो जाते हैं तो वी आर बेसिकली लिविंग इन लाइक एन आईलैंड वी आर लिविंग इन लैंड बट इट्स एन आईलैंड वी आर बेसिकली सेपरेटेड ड्यूरिंग द মনৰ হেঁপাহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিবান যি চি আই বি চি চি আইৰ সৈতেও তেওঁ কাম কৰিছে আৰু শিলচৰৰ পৰা এখন সৰু এটা অঞ্চলৰ পৰা তেওঁ এটা ডাঙৰ এটা প্লেটফৰ্মত কাম কৰি আছে পজিটিভ খবৰৰ বাবে চাই থাকিব